रीवा पुलिस ने वेंकट मार्ग स्थित दीप लॉज में रविवार की रात दबिश देकर सेक्स रैकेट के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से देह व्यापार में लिप्त पांच युवतियों के साथ ही आपत्तिजनक हालत में पांच युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने लॉज के मैनेजर और मालिक को भी अपनी हिरासत में लिया है। इसके अलावा गिरोह की सरगना को भी पुलिस ने पकड़ा है। रिया पुलिस को काफी समय से क्षेत्र में देह व्यापार के संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जैसे ही शहर की सीडी कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास संचालित दीप लॉज में देह व्यापार की संचालित होने की सूचना मिली। पुलिस द्वारा चार टीमों को गठन किया गया। सीएसपी सच्चिदानंद के नेतृत्व में पहली टीम का गठन किया गया। दूसरी टीम में सिविल लाइंस थाना प्रभारी अवनीश, तीसरी टीम में अमिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल और चौथी टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक को दी गई है। सबसे पहले अमिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल चौराहा से देह व्यापार की मुख्य सरगना को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला द्वारा अपने नेटवर्क के बारे में पुलिस टीम को बताया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दीप लॉज में दबिश देकर यह कार्रवाई की। लॉज की पांच कमरों से पुलिस ने पांच युवक और पांच युवतियों को पकड़ा है। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद बड़ा हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों को पकड़ा है। वहीं पकड़ी गई महिलाओं में से सतना की भी महिलाएं शामिल है। पुलिस द्वारा महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। ठीक है, ठीक है सर। अभी सेक्स रैकेट पे छापा पड़ा, क्या मामला है, कहाँ पड़ा है? हमें भी सूचना मिली थी और वहाँ पर कुछ लोग ऐसा संचालक लोग पकड़े गए हैं दीपक लाज में। कार्रवाई चल रही है, पूरी कार्रवाई होने के बाद आपको थोड़ा कंप्लेंट बताया जाए। लगभग कितने लोग पकड़े गए? करीब अभी इसमें 5-6 लोग पकड़ाए हैं अभी। और इसमें सर किस होटल पे कार्रवाई चल रही है? दीपक सर, देखा जा रहा है कि शहर में सेक्स रैकेट बहुत जगह चल रहा है, उसमें क्या कार्रवाई की जाए? पुलिस कार्रवाई करेगी। उसके बगल में गुप्ता लाज भी है सर, वहाँ भी सेक्स रैकेट चलता है। तो जैसे कंफर्म होगा, सूचना जानकारी मिलेगी, कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनैतिक व्यापार अधिनियम। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।